क्या महिला क्रिकेटर्स को भी एल गार्ड या एब्डोमिनल गार्ड की जरूरत पड़ती है? क्योंकि कई बार मेन क्रिकेट में इस तरह की चोट लगने पर खतरा सिर्फ उनके क्रिकेट पर नहीं आता, बल्कि उनकी आने वाली नसलों पर भी आ जाता है। क्या चेस गार्ड की तरह कोई ब्रेस्ट गार्ड भी होता है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राइट टू शिक्षा में आपका स्वागत है। राइट टू शिक्षा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग पूरी रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको मिले सही जानकारी और बढ़े आपकी नॉलेज। कई बार लोगों को लगता है कि मेन और वुमेन के जो शारीरिक बनावट यानी कि फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है, उस वजह से वुमेन क्रिकेटर्स को एल गार्ड, जिसे एब्डोमिनल गार्ड भी कहते हैं, यूज करने की जरूरत ही नहीं होती होगी, है ना? वो पार्ट है नहीं तो उसके सेफ्टी की जरूरत नहीं है। इसी तरह चेस गार्ड के साथ भी यही डाउट रहता है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझने से पहले कि वो यूज करती हैं कि नहीं करती, ये समझ लीजिए कि मेन क्रिकेट में फास्टेस्ट बॉल 100 माइल्स पर आर यानी कि 160 प्लस किलोमीटर पर आर की स्पीड से फेंकी गई है शोएब अख्तर के द्वारा। इसी तरह महिला क्रिकेटर्स भी कई बॉलर्स 125 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गेंदबाजी करती हैं। इस फैक्ट से आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि भाई चोट तो किसी को भी लग सकती है, इंजरी किसी के साथ भी हो सकती है और काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए महिला क्रिकेटर भी एल गार्ड या ब्रेस्ट गार्ड यूज़ करती हैं, बस वो होता डिफरेंट तरीके का है। महिलाओं का ब्रेस्ट गार्ड कुछ इस तरीके का होता है उनके शरीर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और इसी तरीके से एल गार्ड भी इस तरीके का महिलाएँ यूज़ करती हैं। ये गार्ड यूज़ करने से वो ना सिर्फ चोटिल होने से बचती हैं और लंबी इनिंग खेलती हैं, बल्कि उनकी भी आने वाली नस्लों सेफ हो जाती हैं। जोक सपाट दोस्तों, आप लोग भी गेम खेलते हैं या एडवेंचरस काम करते हैं, उसमें पूरी सेफ्टी और गियर्स का यूज़ करिए जो रिकमेंडेड किया जाता है, ताकि आप भी उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ और आपकी भी आने वाले नस्लें सेफ रहें। आई होप दोस्तों आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के गार्ड्स महिलाएं यूज़ करती हैं और वो ऐसा क्यों करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत ही मेहनत से और पढ़कर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं अच्छे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।